अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी किचन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू और धनिया की पत्ती। तो ये सारी चीज़ें हमें ले लेनी है कटिंग के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको हम छील कर कट कर लेते हैं। तो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमें बारीक बारीक काट लेना है। तो ये देखिए, बारीक हमने इसको काट लिया है। इस तरह से कुछ ये कटेंगे। और अब देखिए, सत्तू ले लेना है और ये लाल मिर्च का अचार लेना है। ये इंडिया से मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था अचार, तो मैं ले आई थी। तो ये दो चीज़ें हमें ले लेनी है। उसके बाद से एक बाउल में लेना है सत्तू। तो जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उस हिसाब से आप सत्तू ले लें। और आप जो कटी हुई चीज़ें हैं इनको सत्तू में ऐड कर दें। और आप डालेंगे लाल मिर्च का अचार। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी अचार डाल सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो ये लाल मिर्च का अचार और उसका तेल ज़रूर डालें। नींबू निचोड़ देंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और डालेंगे अजवाइन। तो एक चम्मच भर के अजवाइन अच्छे से हाथ से मैश करके ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं धनिया पत्ती डालना भूल गई थी, तो मैं इस यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया की पत्ती। इससे भी बहुत अच्छा फ्रेशनेस और टेस्ट होता है। और डालूँगी यहाँ पर एक चम्मच भर के देसी घी। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो वो ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर मेरे पास नहीं था तो मैंने देसी घी ऐड कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसको ढक कवर करके इस तरह से रख दीजिए। और ये मसाला रेडी होने के बाद आटा सान कर रख लीजिए। तो मेरे पास गुथा हुआ आटा था, तो मैंने सान कर उसको पहले से ही रख लिया था। ये देखिए, आटा मैंने सान कर रख लिया था। ये नॉर्मल आटा लगेगा इसका। और इस तरह से हमें ये मसाला बनाकर रख लेना है। तो जब भी आपको गरम गरम खाने का मन हो तो आप बना लें। और इसके साथ मैं एक चटनी बनाऊंगी। तो लहसुन, हरी मिर्च और धनिए की पत्ती और इसमें डालूंगी मैं फ्रेशनेस के लिए नींबू। इससे चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चटनी जो है वो फ्रेश होती है। तो नींबू डालूंगी मैं आधा और डालूंगी नमक। अब इस तरह से चटनी हम एक पीस लेंगे। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है इस तरह से। देखिए, चटनी बनकर हमारी रेडी हो गई है। अब चलिए हम अपना पराठा बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम इस तरह से आटे की लोइयाँ ले लेंगे। देखिए, इस तरह से हम आटे की लोइयाँ ले लेंगे और जो हमने मसाला तैयार किया था उसको इसमें फिल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, नाश्ते में आप बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे भी आप दोपहर के खाने में इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हम मसाले को स्टफ़ कर लेंगे इसमें। ये रेसिपी जो है मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो अक्सर मैं उसके लिए भी ये बनाती हूँ। हस्बैंड को तो पसंद है ही।
तो बस इस तरह से मसाले को भरकर आप रोटी की शेप में बेल लें। तो इस मसाले को आप फ्रिज में स्टोर कर 2-3 दिन चला सकते हैं। जब भी आपका मन हो तो गर्मा गर्म इस तरह से इसके पराठे बनाइए और खाइए। और इसको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो गया था, इस पर हम इसको डाल देंगे और एक तरफ सिकने के बाद पलट लेंगे इसको और घी या तेल लगाकर अच्छे से इसको सेकेंगे हम। तो ये देखिए, थोड़ा सा घी लगाकर मैं इसको सेकूंगी और देखिए कितने अच्छे मज़ेदार पराठे बन रहे हैं, बिल्कुल फूले फूले बनते हैं। इसको धीमे आंच पर सेकिए, बहुत ही बेहतरीन लगता है ये। इसको आप रिफाइंड ऑयल, देसी घी या बटर में भी सेक सकते हैं। तीनों चीज़ों में बहुत ही मज़े का बनता है। जैसा फ्लेवर आपको पसंद हो वैसा आप सेक सकते हैं उस तेल में। कुछ लोग तो इसको मस्टर्ड ऑयल में भी सेक कर खाते हैं, बिल्कुल देसी टेस्ट आता है उससे। तो जिनको पसंद है वो मस्टर्ड ऑयल में ज़रूर सेके देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, ये हमारा पराठा रेडी हो गया है, इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो है ना मज़े की डिश। तो आप भी अपने घर में सबको बनाकर खिलाइए, देखिएगा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और तारीफ़ें मिलने वाली हैं। तो देखिए इस तरह से फूले फूले पराठे हमारे बनकर रेडी होते हैं। इसको सर्व कर लेते हैं ये हरी चटनी के साथ, जो मैंने बताया। इस तरह से चटनी के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े का लगता है। या रायता बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फैमिली और फ्रेंड्स की केयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।